यूपीटी कॉलेज में माय एफएम के संयुक्त तत्वावधान में ब्रेन ऑफ सिटी एग्जाम कंडक्ट कराया गया। सरदेवा यूपीटी कॉलेज व साथ ही माय एफएम की टीम भिलाई पब्लिक स्कूल मरोदा पहुंची। इस प्रतियोगी परीक्षा को लेकर विद्यार्थियों में गजब का उत्साह रहा। शिक्षण प्रणाली 2 साल के कोविड काल में खासी प्रभावित हुई। ऑनलाइन ऑफलाइन की कश्मकश में उलझे विद्यार्थियों ने जैसे तैसे परीक्षाओं को पास किया, पर वहीं स्कूली विद्यार्थी अपनी यथास्थिति शिक्षा को लेकर कैसी है या कह लें कि वो कितने पानी में है, इसका आकलन सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माय एफएम ने संयुक्त रूप से किया। हम बता दें कि नॉलेज पार्टनर की भूमिका में सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज रहा, तो वहीं माय एफएम की टीम ब्रेन ऑफ सिटी जैसा एग्जाम कंडक्ट कराकर टीम पहुंची टंकी मरोदा स्थित भिलाई पब्लिक स्कूल। यहां 9वीं से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों ने ओएमआर शीट के माध्यम से एग्जाम दिया। शाला के प्रिंसिपल व एग्जाम दे चुके बच्चों ने हमसे चर्चा की। शाला की प्रिंसिपल ने इसे अच्छी पहल बताया, तो वहीं विद्यार्थियों ने अपने अनुभव बताए। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आपका एफएम का और न्यू सचदेवा पीटी कॉलेज का। बहुत 2 साल से बच्चे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, उसके बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम देना वो भी ओएमआर शीट में, जो कि आज के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरत है क्योंकि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स हैं सब ओएमआर शीट में होंगे। बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये आप लोगों का। एक्साइटेड थे, प्लस जो आप लोगों ने जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न बनाया है वो भी बहुत अच्छा रहा बच्चों के लिए, क्योंकि आपने 10th क्लास के हिसाब से मतलब 9th का जो दिया है वो बच्चों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल था। बच्चे डीमोट भी नहीं हुए हैं उससे बच्चों। सॉरी, कैसा बच्चा एग्जाम देके अच्छा लगा? इसको सबको अच्छा लगा? क्या अच्छा था एग्जाम में? अच्छा, इजी थे क्वेश्चन? इजी लग रहे हैं भाई, बताइए। हमारे समय में पता नहीं ऐसा क्यों नहीं होता था। क्या इजी लगा आपको सबसे? आपका नाम? निकिता को साइंस इजी लगा, और जाहिर सी बात है कुछ इजी लगा तो कुछ टफ भी लगा होगा, ऐसा कुछ था? आपका नाम क्या है? जीवेश ठाकुर। ऐसा क्या है आप में कि आप क्लास कैप्टन बन गए? रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है क्या? आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं? ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल गाय। जो कुछ भी यहाँ होता है उसके लिए आप ही तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये कह रहा हूँ मेरा एग्जाम क्यों ले रहा हूँ। और आपका क्या नाम है? वाइस हेड बॉय। ये क्या होता है सर? वाइस हेड बॉय वही जो कि हेड बॉय का एक ऐसा असिस्टेंट पार्टनर रहता है, बट स्कूल को जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें सब चीज़ में हम लोग साथ रहते हैं। ऑलराइट, ब्रेन ऑफ सिटी सर। अच्छा ये लगा कि जो हम लोग प्रीवियसली पढ़े थे 11th में वो सब हमारा रिवाइज हो गया, और हम लोग को पता चला कि हम लोग किस कितने पानी में बोल सकते हैं। इसलिए बारिश हो। क्या अच्छा लगा एग्जाम के बारे में? एग्जाम में ऐसा लगा मतलब न्यू टाइप के क्वेश्चंस किए, और जो एग्जाम का जो फियर होता है वो हल्का सा कम हुआ मेरा। हल्का सा? अभी थोड़ा बचा ही हुआ है। बचा सर, अभी तो लाइफ टाइम मेरा। 3-4 एग्जाम और करा ले। अरे बिल्कुल सर, रेडी हूं तुम। ऑलराइट, तो हम ब्रेन ऑफ सिटी सीजन 1, 2, 3, 4 लेकर आएंगे। आप हैं वाइस स्पोर्ट कैप्टन, क्या खेलती हैं? हैंडबॉल। अरे वाह, इसमें तो छत्तीसगढ़ के मेडल भी आते हैं, आप भी लाना चाहते हैं? सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज व माय एफएम द्वारा कंडक्ट इस एग्जाम में बच्चों ने अपना आकलन तो किया, साथ ही आगामी सालों में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उसके लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार भी किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।